गुड न्यूज फॉर रेडमी नोट 8 प्रो डिवाइस, MIUI 12 का स्टेबल अपडेट फाइनली बीटा टेस्टिंग के लिए रिलीज कर दिया गया है और ये तीसरा डिवाइस है इंडिया में जिसमें यहाँ पर MIUI 12 का स्टेबल अपडेट रिलीज किया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा इसी के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके डाउट है इस डिवाइस से रिलेटेड इस वीडियो में हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया था उनको फाइनली यहाँ पर 12.0.0.3 का स्टेबल अपडेट उनके OTA में देखने को मिल गया होगा, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है जिन्होंने कभी भी इसको अप्लाई नहीं किया बीटा टेस्टिंग के लिए उनके OTA में ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और MIUI 12 में बहुत ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पर वेदर का जो फॉन्ट है, वेदर का जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा है, MIUI 12 का जो आइकन है वो काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, चाहे सिक्योरिटी का जो एनिमेशन बनता है वो हो जाए या फिर कंट्रोल सेंटर हो जाए। तो इन्हीं सब की वजह से लोग MIUI 12 को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, हमेशा कमेंट करते हैं कि उनके डिवाइस में MIUI 12 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैं इसके बारे में पूरा बता दूं, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर बहुत सी एडिटिंग भी पहले की गई है, जहाँ पर Redmi Note 8 Pro 12.0.2.0 का अपडेट शो किया गया है, लेकिन ये बाई मिस्टेक यहाँ पर पोस्ट किया गया है। यहाँ पर जो ओरिजिनल पोस्ट है जिसमें मैं आपको साफ साफ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर Redmi Note 8 Pro डिवाइस को अभी सिर्फ बीटा टेस्टिंग के लिए अपडेट रिलीज किया गया है और वो वर्जन है 12.0.0.3 और 0.0 जो है वो यहाँ पर पायलट टेस्टिंग का कोड है जिसमें ये साफ पता चलता है। अगर यही स्टेबल में आता तो ये 12.0.0.1 होता या फिर 12.0.3.0 का अपडेट होता। यहाँ पर ट्रैकर में आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro और यहाँ पर रिलीज्ड है यहाँ पर चाइना के लिए और इंडिया में रिलीज्ड फॉर पायलट टेस्टिंग न्यू यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसके अलावा बहुत से लोग ये सोचेंगे Redmi Note 8 Pro में स्टेबल में अपडेट कब आएगा, तो 15 से 20 दिनों के अंदर आपको स्टेबल में देखने को मिलेगा क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग है और इसके जो फीडबैक हैं वो टेलीग्राम में लिए जाते हैं और वो बग्स के हिसाब से क्या स्टेबल है या क्या बग्स है उसके हिसाब से स्टेबल में रिलीज़ किया जाता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं MIUI वर्जन भी 12.0.3.0 QZ कोड है यहाँ पर बीटा टेस्टिंग का, IN इंडियन है और इसके बाद XM स्टेबल 635 MB का आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। चेंज लॉग में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, कॉपी पेस्ट यही सभी MIUI 12 में चेंज लॉग देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से फीचर्स आपको MIUI 12 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यही डाउट है जो लोग भी सोच रहे हैं कि उनके स्टेबल में अपडेट क्यों नहीं आया, तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है ये बीटा टेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने गूगल का फॉर्म फिलअप किया था, सबसे पहले उन्हीं को अपडेट मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल पीपल के लिए यहाँ पर आपको OTA में देखने को मिलेगा 15 से 20 दिनों के बाद। तो इसमें से जो लोग भी यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके लिए मैंने ये जो डाउट है वो क्लियर कर दिया। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।